पहले मैं YouTube पे बहुत डेटा बर्बाद करता था, दिन का 1.5 GB भी मुझे कम पड़ता था और एट दी एंड मुझे कुछ हासिल नहीं होता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और पासे पलट गए हैं। नहीं, डेटा तो मैं अब भी बर्बाद करता हूँ, बस मेरा तरीका बदल गया है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ बायोजोन के वीडियोस। पहले इनसे मिलिए, ये है फैजल खान उर्फ खान सर, ये एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं और टीचिंग इनका प्रोफेशन है। अब इनसे मिलिए, ये है पायल सिंह और पायल जोन, और ये भी एक टीचर है। तो मैं तो एक टीचर हूँ तो, पर ये बच्चों को नहीं पढ़ाती, ये डिजिटल सुपारी लेके यूट्यूबर्स को थंबनेल में मारती है। तो इससे हमें पता चलता है कि खुद को टीचर बोलने वाला हर टीचर टीचिंग करता हो ये जरूरी नहीं है, कुछ एक्टिंग भी करते है। हाँ, अब अगर आपको नहीं पता कि पायल जोन कौन है, तो पायल जोन एक टीचर है जो यूट्यूब पे बड़े यूट्यूबर्स को लेकर उल्टे सीधे वीडियोस बनाती है, जिसे इसने मुझे कॉल किया, उसने मेरी वीडियो डिलीट करा दी, इसने मुझ पे केस कर दिया। अब चाहती क्या है जिंदगी से, तो आओ इसके चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अरे ये तो वो नमस्कार दोस्तों। और थंबनेल वही, एक साइड फोटो, एक साइड टॉपिक नेम, वैसा ही इंट्रो, वैसे ही थंबनेल, वही ज्ञान छोड़ना। इसका मतलब समझे दया, पायल जोन एक ध्रुव राठी है, अगर ध्रुव राठी अपने वीडियो सिंगल टेक में बनाए, नहीं ये तो तारीफ हो गई, पायल जोन एक ध्रुव राठी है अगर ध्रुव राठी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे। अरे बहन, सिंगल टेक में वीडियो बनाना अच्छी बात है, लेकिन जब बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाने बैठो तो मुंह में सुपारी घुस जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या उनका वो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पायल जोन एक लौती ऐसी यूट्यूबर है जो वीडियो बनाने से पहले ही टाइटल सोच सकती है, पर मुझे नहीं पता लोग इसे इतना हेट क्यों देते हैं। असल में तुम समझे नहीं, पायल पहले यूट्यूब टिप्स की थियरी देती थी और अब उसका प्रैक्टिकल डेमो चल रहा है। व्यूज और सब्सक्राइबर्स दोनों बढ़ेंगे, गेट मोर सब्सक्राइबर्स डेली, टैग्स लगाओ, व्यूज बढ़ाओ, गाली पड़ने पर कमेंट्स कैसे। अब जनरली चैनल ग्रो होने के बाद यूट्यूबर अपने पुराने कर्मकांडों को प्राइवेट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, पायल जोन का ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या पता तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर की रोस्टिंग देखने इस चैनल पे और तुम्हें अचानक ही वर्ण विचार और व्यंजन के भेद पढ़ने का मन कर जाए तो तुम इसी जोन में पढ़ सकते हो। पर ये बात आप में से किसी को पता नहीं होगी कि पायल जोन एक गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है। मैं ये बताती हूँ कि स्टे पॉइंट भाई रोस्टिंग का चैनल है, ये लोग चीजों को रोस्ट करते हैं। स्टे पॉइंट एक कमेंट्री चैनल है, एक रोस्टिंग चैनल नहीं है, और कमेंट्री भी कोई गलत चीज थोड़ी है, कमेंट्री के लोग बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। लोगों को भूलने की आदत या कहीं बीमारी होने लगी है। पहले लोगों को इस समस्या का सामना उम्र बढ़ने के बाद करना पड़ता था, लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये समस्या हो रही है। और तुम लोग चाहते थे ना कि मैं इसका रोस्ट करूं, पर ये इतनी टैलेंटेड है कि ये खुद का ही रोस्ट कर सकती है। आशीष चंचलानी की आप वीडियोस को उठाइए, उनकी वीडियोस देखिए, जो वीडियोस की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा खराब है। एक तो आप किसी बंदे के नाम पे अपने व्यूज छाप रहे हो और फिर उसी के बारे में आप गलत बोल रहे हो। और जब मैंने इसके अबाउट सेक्शन में जाके देखा तो इतना ग्रोथ, इस पे तो विवेक बिंद्रा की पूरी केस स्टडी बन सकती है। हे, आपका स्वागत है, विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करेंगे पायल जोन के बारे में, बात करेंगे स्मार्ट वर्क के बारे में, बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। पायल जोन, असली नाम पायल सिंह, पेशे से एक टीचर है तो बिना ब्रेक के लगातार बोलने की आदत है। प्रोफेशन तो टीचिंग था, पर पैशन कुछ और ही था। लोगों के बीच उनकी गालियां का, लोगों के बीच अपनी जगह बनानी थी। सेल्फी लेने का बड़ा शौक था, याद रखिएगा, सेल्फी लेने का बड़ा शौक था। 20 से 30 सेल्फी हमेशा उनके फोन में रहती थी। YouTube पे क्या होता है, लोग खराब कंटेंट को रोस्ट करते हैं। इन्होंने क्या क्या अच्छे कंटेंट, अच्छे यूट्यूबर्स को रोस्ट करना शुरू किया। एक बिल्कुल ही नया, अलग और अनोखा अंदाज लेके आई अपने जैसो की आगे में, और फिर एक के बाद एक कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करती गई। थंबनेल बनाने में दिमाग नहीं लगाया, आपसे बात कर रहा हूँ, थंबनेल बनाने में दिमाग नहीं लगाया, वो जो सेल्फी वाला शौक था वो यहाँ काम आया। एक तरफ सेल्फी डाल दी, दूसरी तरफ यूट्यूबर की फोटो, मातृभाषा में कुछ लिख दिया, 1 मिनट में थंबनेल तैयार। लोगों से कोई मतलब नहीं, कमेंट से कोई मतलब नहीं, बिना रुके वीडियो डालती रही और आज 2 करोड़ व्यूज होने वाले हैं उस चैनल पे। पैशन ने इनको बोलने का कॉन्फिडेंस दिया, पैशन ने इनको एक गोल दिया, पैशन और पैसे को मिलाकर पैसा बनाया। पैसा, मुझे तो गाना लिखना चाहिए। यहाँ आपके लिए लेसन है, hey, come on, आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ब्लू जोन की तरह छोटा नहीं, पायल जोन की तरह बड़ा सोचो, अपने गोल डिसाइड करो। कमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, मुझे कमेंट नहीं कमिटमेंट चाहिए। बस लेट के वीडियो मत देखो, उठो जागो मेहनत करो, तुम्हारी माँ का मोटिवेशन।
तो बस यार आज के लिए इतना है। और हाँ, कोई पर्सनल हेट नहीं है पायल जोन को, वो अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं और हम अपने। लेकिन अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी मजा आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सेल्फ प्रमोशन की निंजा टेक्निक, डिंग 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 डिंग। Come on.